नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं विकास कुमार। आज के हमारे इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम स्वीट होम 3D के अंदर एक 3D फ्लोर प्लान बना सकते हैं, और 3D फ्लोर प्लान बनाने के लिए हमें 2D फ्लोर प्लान की भी ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज, मेरा एक फ्रेंड है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम जो है कंटिन्यू है, जिसका मकान बन रहा है, तो उसका मैंने कुछ दिन पहले फ्लोर प्लान बनाया था, तो उसी की फ्लोर प्लान पर हम 3D फ्लोर प्लान बनाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह से एक 3D फ्लोर प्लान बनाएंगे, उसको रेंडर कर सकते हैं। सो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये ट्यूटोरियल वीडियो। सो गाइज, तो सबसे पहले तो हम हमारे पास जो फ्लोर प्लान होगा 2D में या कोई फ्लोर प्लान इमेज, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे स्वीट होम 3D के अंदर। तो उसने मेरे को व्हाट्सएप पे भेजा था उसका पिक्चर है एक, जिसके अंदर हमें थोड़ा साइज़ का अंदाज़ा आ जाएगा, उसके बाद फिर हम 3D फ्लोर प्लान जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3D को बिल्कुल यहाँ पे विजिबल कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है 3D की। हम सबसे पहले 2D के अंदर उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन के बीच में, और यहाँ से इंपोर्ट बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे सिंपली। तो वहाँ से जहाँ पे आपने सेव किया हुआ फ्लोर प्लान सेलेक्ट कर लेंगे इमेज को। तो यहाँ पे ये देखिए व्हाट्सअप इमेज है मेरे पास, ये ऊपर का है, नीचे का ये है। तो सबसे पहले हम नीचे वाला बनाएंगे, उसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो उसके जो प्लॉट का साइज़ है गाइस, वो है 64x35। तो इसकी चौड़ाई जो है 35 फीट है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इसको एक्यूरेट स्केल में तो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्हाट्सएप पे आई हुई इमेज है, एक्यूरेट भी नहीं है। लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली हमें अंदाज़ा हो जाएगा सभी रूम्स का कितने साइज़ के हैं, क्योंकि इस फ्लोर प्लान को मैंने आर्किकैड के अंदर बनाया था। ये आपको जो ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है जो मैं मूव कर रहा हूँ कर्जर से, आपको क्या करना है, या तो आप इसको हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे हमारा ये फ्लोर प्लान की जो चौड़ाई है 35 फीट है, तो इस फ्लोर प्लान के हिसाब से आप यहाँ से जूम भी कर सकते थोड़ा अच्छे दिखाई ना दे। तो इसको इसकी वॉल के बिल्कुल इक्वल, इसी चौड़ाई के इक्वल, इसी लाइन को, ब्लू लाइन को हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। और फिर जो इसका साइज़ है 35 फीट है, इसकी लेंथ जो चौड़ाई है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे 35, और फीट ऊपर वाला कोमा, जो फीट का कोमा होता है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 0 रखना है फिनिश। तो इस तरह से आप फ्लोर प्लान एक रेफरेंस इमेज हम इंपोर्ट कर सकते हैं स्वीट होम 3D में। तो ये कितनी धुंधली इमेज है, तो हमें इसके ऊपर फ्लोर प्लान बनाना होगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमें साइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आप जैसा देख सकते हैं इस फ्लोर प्लान के अंदर क्या है, ये फ्रंट है यहाँ पे, ये एक छोटा गेट है एंट्री के लिए, और एक मेन गेट है। ये यहाँ पे पोर्च है, और यहाँ पे जो है टॉयलेट है, और ये अंदर की तरफ है जो है ये बाथरूम है, और यहाँ बाहर जो है दो शॉप हैं। तो ये जो घर है गाइज, ये एक सिटी के अंदर है जहाँ पे कोई ओपन एरिया नहीं है, इसके सिर्फ ओनली फ्रंट के अंदर गली है 20 फीट की। तो साइडों से भी मकान बने हुए हैं और पीछे भी, तो ये चारों ओर से जो है क्लोज है। तो गाइज उसी के हिसाब से, ये सिटी के हिसाब से नक्शा मैंने बनाया था। तो इसी के ऊपर हम आज फ्लोर प्लान क्रिएट करेंगे 3D, क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट थी फ्रेंड की कि मैं उसको 3D में बना के दिखाऊँ। तो हम इसका 3D फ्लोर प्लान बनाएंगे, और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम इस फ्लोर प्लान को यहाँ से एक्सपोर्ट करके स्केचबुक के अंदर उसका जो है फ्रंट एलिवेशन भी बनाएंगे। लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हम इसका ओनली सबसे पहले 2D फ्लोर प्लान बनाएंगे, उसके बाद हम 3D में इसको रेंडर करेंगे, जो कि बड़ा ही सिंपल होगा। हम चाहते तो ये आर्किकैड के अंदर कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो जाता। तो हम सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए स्वीट होम 3D बनाएंगे, ताकि थोड़ा आसान रहे सीखने के लिए। सो गाइज, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले तो ये वॉल्स हैं, जो आउटसाइड की वॉल्स हैं वो 9 इंच की थिकनेस है, और जो इंटीरियर वॉल हैं वो है जो है 4 इंच की थिकनेस है उनकी। तो सबसे पहले हम यहाँ से फाइल के अंदर जाएंगे, और प्रीफ्रेंस के अंदर से जाके हम हमारी वॉल्स की जो है थिकनेस यहाँ पर सेट कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से न्यू वॉल थिकनेस यहाँ से पहले से ही 9 इंच है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे न्यू वॉल हाइट है, हाइट मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ 4 फीट ओनली, क्योंकि हम 3D फ्लोर प्लान बनाएंगे, ताकि हमें अंदर से पूरा फ्लोर प्लान 3D में दिखाई दे। यदि वॉल की हाइट हम ज़्यादा कर देंगे तो हम 3D में नहीं देख पाएंगे फ्लोर प्लान को। वो जब मैं रेंडर करूँगा तब मैं इसकी अहमियत आपको समझा पाऊँगा। यहाँ से 4 फीट मैं हाइट रख लेता हूँ, और यहाँ से आप फुट इंच जिस भी जो डायमेंशन सॉरी जिस भी यूनिट के अंदर आप काम करना चाहें, वो आप मान लीजिए मिलीमीटर या सेंटीमीटर मीटर जिसके अंदर काम करना चाहें वो अपने हिसाब से सेट रख सकते हैं। तो कॉमनली हम फुट इंचज ही यूज़ करते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और बस ये सेटिंग है, आप यहाँ से वॉल का जो भी पैटर्न रखना चाहें आप रख सकते हैं आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ से ब्लैक रख लेता हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा विजिबिलिटी है जो हमें अच्छी मिले। ओके,
तो हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर यदि हमें पता करना हो, जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी हुई कि किस रूम का क्या साइज़ है, तो हम अप्रोक्सीमेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास डायमेंशन टूल है, तो ये डायमेंशन टूल लेंगे ऐसे। डायमेंशन इसके अंदर जो है टेप मेजर टूल नहीं होता गाइस, कि हम किसी भी चीज़ को माप के पता लगा सकें कि उसका साइज़ कितना है। यहाँ पर हम डायमेंशन टूल की हेल्प से ही पता लगा सकते हैं किस रूम का क्या साइज़ है। तो जैसे सबसे पहले हम इसकी कंप्लीट प्लॉट की चौड़ाई का अंदाज़ा लगाते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये 35 के करीब है, तो हम 35 ही मानेंगे क्योंकि एक्चुअली जो प्लॉट है वो 35 फीट की चौड़ाई है उसकी, ये देखिए। और इसकी लेंथ है जो 64 फीट के करीब है। तो इसी प्रकार हम टेप मेजर टूल की हेल्प से ही इसकी लेंथ भी माप सकते हैं। तो ये लेंथ भी जो है 64 के करीब है मे बी, लेकिन हमें 64 ही करना है। ये हमें सिर्फ एक अंदाजे के लिए है, ताकि हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कितने रूम्स बनाने। तो यहाँ पे दो रूम्स हैं पीछे, दोनों रूम्स के अंदर अटैच टॉयलेट या वाशरूम आप इसको भी कह सकते हैं। और ये पीछे ये एक ओपन एरिया है हमने छोड़ा है जो वेंटिलेशन के लिए। तो और ये जो पीछे के दो रूम हैं, दोनों रूम्स के अंदर विंडो है पीछे की तरफ, ताकि कूलर वगैरह लगाने में आसानी रहे। और जो ये बीच का रूम है, ये कॉमन रूम है, इसको अंदर जाने के लिए यानी पीछे जाने के लिए यहाँ से लॉबी से, तो इसी रूम से जाया जा सकता है। ये दोनों रूम स्प्रेड्स हैं, तो यहाँ से आप रूम का अंदाज़ा भी इसी हिसाब से लगा सकते हैं जैसे मैं इसको डायमेंशन टूल से। तो ये देखिए रूम की जो चौड़ाई है 10.3 इंच के करीब है, यानी कि 11 फीट के करीब हम इसको रखेंगे। और यहाँ पे ये 12 फीट के करीब इसकी जो है लंबाई है और चौड़ाई है 11 फीट के करीब। तो गाइस जब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं गाइस, इसको हम साइड में रहने देते हैं, इसको ऊपर नहीं बनाएंगे, हम साइड में बनाएंगे फ्लोर प्लान। उसके बाद हम चाहें तो इसको हिडन कर सकते हैं फ्लोर प्लान इमेज को। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम वॉल टूल यहाँ से लेते हैं। तो हम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये वॉल है जो हमारी, जो इसकी लंबाई है 35 फीट है। तो मैं सिंपली आज आपको कीबोर्ड से ही बनाना चाहूँगा इसको। तो जैसे हम वॉल को बनाना स्टार्ट करेंगे, कहीं पे भी आप एक क्लिक कीजिए, और वहाँ पे फिर आपको जो है एक सेकेंड कंट्रोल जी से उंडू करेंगे, एस्केप प्रेस कंट्रोल जी से उंडू। यहाँ से हम वॉल बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे डायमेंशन बॉक्स में, एंटर प्रेस करेंगे जैसे, उसके बाद हम 35 फीट यहाँ पे टाइप कर देंगे इस तरह से, उसके बाद हम एंटर प्रेस कर देंगे इस तरह से। फिर हम ये वॉल बनाएंगे, ये वॉल जो है हमारी जिसकी लेंथ है 64 फीट है, उसी प्रकार फिर से हम एंटर करेंगे, और यहाँ पे 64 फीट यहाँ पे जो है साइज़ हम दे देंगे, उसके बाद फिर से हम एंटर करेंगे। इस प्रकार दोनों वॉल्स का हम साइज़ दे लेंगे, बाकी का साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारी वॉल इसके पैरेलल आएगी, तो हमें यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिखाई देगी, ये देखिए, ये देखिए। जैसे ही आपको ब्लू लाइन दिखाई दे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे इस कॉर्नर पर आके डबल क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी इस तरह से एक्सटीरियर वॉल हमने आसानी से क्रिएट कर ली है। अब हम इसका एग्जैक्ट साइज़ चेक कर सकते हैं। यहाँ से फिर से हम यहाँ पे जो है डायमेंशन टूल लेते हैं, और डायमेंशन क्रिएट करते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट साइज़ पता चले। इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाई दे। तो ये देखिए इस कॉर्नर से हम क्लिक करेंगे, और फिर दूसरे कॉर्नर पे ले जाके हम यहाँ पे जो है क्लिक कर देंगे, और इसको इस तरह से हम डबल क्लिक कर दें, तो हमें यहाँ पे डायमेंशन पता चल जाएगी। अब ये जो डायमेंशन है जो है, हमें बताते हैं कि इसकी चौड़ाई 35 फीट से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो वॉल थी वो हमें इसको 8 इंच कम करना हो चौड़ाई को, तो वो हम कैसे करेंगे, थोड़ा अप्रोक्सीमेटली यहाँ से डायमेंशन लेंगे, 8 इंच पे यहाँ पे इसको ला के इस तरह से किसी तरह छोड़ देंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे किसी एक वॉल को, और एरो की से इसको इस तरह से मूव कर लेंगे। अब देखिए अब हमारी जो है डायमेंशन ठीक आएगी बिल्कुल, और फिर हम इस डायमेंशन को जो है डिलीट कर देंगे एक बार के लिए। फिर से हम डायमेंशन टूल लेंगे, और यहाँ से इस कॉर्नर से लेके और इस कॉर्नर तक इसको सेलेक्ट करेंगे, और ये देखिए अब है हमारा कंप्लीट 35 फीट की चौड़ाई है। अब जैसे हम इसको जूम आउट करेंगे, तो हमें ये देखिए डायमेंशन बिल्कुल छोटी है, दिखाई नहीं देती। तो इसके टेक्स्ट का साइज़ यदि आपको बढ़ाना है, तो आपको सिंपली इसको क्लिक करना है डायमेंशन को, और कीबोर्ड से आपको कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद के प्रेस करना है कीबोर्ड से, सॉरी यहाँ से आपको, मैं जूम करके जाता हूँ एक बार,
ये देखिए, अब जैसे ही डायमेंशन को सेलेक्ट करेंगे, मैं देख लेता हूँ एक बार, कंट्रोल अल्ट प्लस के है पता नहीं, हाँ कीबोर्ड से आपको प्रेस करना है कंट्रोल, उसके बाद अल्ट और उसके बाद के प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, टेक्स्ट का साइज़ है जो डायमेंशन का, जिससे आपको पता चले सही से। ये देखिए, तो ये शॉर्टकट की है डायमेंशन साइज़ बढ़ाने के लिए, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए। तो ये हमारे एक्सटीरियर वॉल हमने क्रिएट कर ली गाइज। उसके बाद जो है हम यहाँ पीछे की वॉल क्रिएट करेंगे सबसे पहले, या हम फ्रंट से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पे दो शॉप हैं, ये देखिए यहाँ पे दो शॉप हैं, शॉप की जो लंबाई है यहाँ पे 20 फीट है अंदर से, और चौड़ाई है 10 फीट है। तो उसके लिए भी हम डायमेंशन का यूज़ करेंगे साइज लगाने के लिए। ये हमें गाइडलाइन काम करती है हमारे डायमेंशन यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें एक डायमेंशन यहाँ से लगाएंगे इस तरफ से, जूम करते हैं इसको थोड़ा, और इसको अंदर से हम डायमेंशन लगाते हैं यहाँ पे 20 फीट, या 20 फीट कंप्लीट 20 फीट पे लगा देते हैं इस तरह से। ये देखिए, तो यहाँ पे हमें गाइडलाइन मिल जाती है डायमेंशन की हेल्प से इस तरह से। और एक इस तरफ से लगाएंगे हम, यहाँ पे हम 10 फीट पे लगाएंगे अंदर से, 10 फीट की चाहिए हमें। इसी प्रकार हम यहाँ से एक डायमेंशन लगाते हैं 10 फीट पे। ये एक डिटेल वीडियो है गाइज फ्लोर प्लान बनाने के बारे में, एक एक चीज़। तो ये हमें गाइडलाइंस का यूज़ होगा, और यहाँ से हमारी इस डायमेंशन को हम सेलेक्ट करेंगे और मूव टूल से यहाँ पे इसके बराबर कंप्लीट रख लेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट साइज मिले। तो फिर से हम वॉल टूल लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम वॉल बनाना जो है स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा उस तरफ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस प्रकार, इस प्रकार से हम जो है वॉल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है गाइज, सेंटर की जो वॉल होगी वो हम 4 इंच रखेंगे। तो हम सबसे पहले हम वॉल क्रिएट कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, या हम फिर से डायमेंशन टूल की हेल्प से ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले। यहाँ से सॉरी डायमेंशन टूल लेंगे यहाँ से, और इस प्रकार हम 10 फीट कंप्लीट, ये देखिए इसके करीब ही है ये। इस प्रकार हमें यहाँ पे एक गाइडलाइन मिल गई है, हमें पता चल गया कि हम यहाँ से वॉल बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से वॉल क्रिएट करेंगे इसके सेंटर से, ये देखिए इस प्रकार, डबल क्लिक से इसको क्लोज कर देंगे। अब हम इसकी वॉल को सेलेक्ट कर लें अकेली वॉल को, उसको डबल क्लिक से ओपन करेंगे, और यहाँ से हम इसकी थिकनेस जो है कम कर देंगे, 9 इंच है तो हम यहाँ पर 4 इंच थिकनेस इसकी कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक वॉल की थिकनेस चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दो वॉल्स हमने क्रिएट कर ली। तो गाइज हमारा फ्लोर प्लान अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट है। तो अब हम एरो की लेंगे यहाँ से, और सभी जो है गाइडलाइंस को यहाँ से हटा देंगे, एज ए गाइडलाइन हम यूज़ कर रहे थे डायमेंशन को। ठीक है गाइज, अब हम इसके अंदर डोर्स एंड विंडोज़ को इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पर ये स्टेयर केस है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डोर के सेक्शन में जाएंगे, डोर्स एंड विंडोज़ के सेक्शन में, और यहाँ से हम सिंपली एक डोर लेंगे जिसकी हम, एक सेकंड, कोई ओपन डोर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ओपन डोर है तो हम ओपन डोर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक डोर को यहाँ पे ले आता हूँ, और इसका हम पहले साइज़ दे देते हैं, इसको हम एडिट करेंगे। इसकी विड्थ जो है 3 फीट है, तो हमें यहाँ पे विड्थ ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पे 3 फीट यहाँ पे 6 इंच, ठीक है गाइज, हाइट एज इट इज़ रहने देते हैं इसको हम यहाँ से, या हम इसको का जो है टेक्सचर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे वाइट है तो हम यहाँ पे टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं वुडन का, या सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे वुड। ओके
ये हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके शो गाइस, इस तरह से हम डोर को मॉडिफाई कर लेंगे। अब हम यही डोर हमारे सभी रूम्स के अंदर यूज़ करेंगे। तो आप ऐसे इस तरह से जूम आउट कर लें, तो जहाँ जहाँ पर डोर है वहाँ पे मेन डोर हम लगा देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डोर लगा देते हैं इस तरह से। ओके उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी बना लेते हैं, एक डोर यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस रूम में लगा लेते हैं पहले, और इसका जो है डेकोरेशन, सॉरी इसकी जो चेंज करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम इसको मिरर शेप पर क्लिक करेंगे, तो हम इसका जो है ओपनिंग चेंज हो जाएगी इस तरह से। ओके तो हमारा फ्लोर प्लान तकरीबन कंप्लीट है। अब हम इसके अंदर फर्नीचर वगैरह ऐड करेंगे, और यहाँ पे भी हम ओपनिंग यूज़ करेंगे शॉप के लिए। देखते हैं डोर्स एंड विंडोज़ में, यहाँ पे गैरेज डोर है या ये यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। फाइनली हम विंडो लगाते हैं कंप्लीट प्लान में, उसके बाद हम जो है फर्नीचर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं विंडो ले लेता हूँ, यहाँ पे हम स्लाइड विंडो का यूज़ करेंगे। विंडो ओके, इसके हम जो है विड्थ यहाँ पे 5 फीट रखेंगे, और हाइट हाइट 6 फीट। ओके और हम चाहें तो इसका जो है टेक्सचर भी मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ से। कलर यहाँ पे हम डार्क रखते हैं। अब ठीक है, अब ये विंडो हमारे कंप्लीट डिज़ाइन में हम यूज़ करेंगे। यहाँ देख सकते हैं पीछे से इस तरह से, और यहाँ पे इसकी एलिवेशन हम रखेंगे 2 फीट, या हम 18 भी रख सकते हैं, 1.6 या 5। तो ये विंडो इस तरह से हम यूज़ करेंगे हमारे डिज़ाइन में। ओके गाइस, और यहीं से कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, वी से पेस्ट, तो हमारे कंप्लीट डिज़ाइन में इस तरह से हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बाकी काम कंप्लीट है हमारा। अब हम इसके अंदर फ्लोर ऐड करते हैं। तो फ्लोर ऐड करने के लिए सिंपली हम क्रिएट रूम का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे हम फ्लोर ऐड करना है डबल क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो हमारे कंप्लीट में फ्लोर ऐड हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं हो तो हम वहाँ पे कस्टम ग्रेड कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से अब हम इसके अंदर जो है टेक्सचर ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पीछे वाले रूम से, और साथ में हम टेक्सचर ले लेते हैं यहाँ से टाइल्स का। टाइल सेलेक्ट करेंगे कोई भी, जो भी आपको अच्छे लगे। तो हम ये यूज़ करते हैं फ्लोर। साइज यहाँ पे हम डबल दे देते हैं, या फिर हम 150। ओके उसके बाद ओके प्रेस करेंगे, और यहाँ से जो है डिस्प्ले सीलिंग को हम हटा देंगे, और वॉल साइड अराउंड कलर यूज़ करेंगे रूम के लिए। तो हम यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लेते हैं अच्छा सा सिंपली। ओके और यहाँ से ऐड डैशबोर्ड भी हम सेम टेक्सचर यूज़ करेंगे, यही टेक्सचर, और साइज़ भी यहाँ पे सेम 150 रखेंगे। ओके और यहाँ पे हम इसकी जो है डैशबोर्ड की हाइट 6 इंच यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे। टेक्सचर को साइन नहीं रखेंगे यहाँ से। ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गाइस,
इस रूम के अंदर टाइल्स जो है लग चुकी हैं इसी तरह से, और इसी तरह सेम यही यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्सचर में, सेम ही रखते हैं। ओके तो ये देखिए गाइज हमारा कंप्लीट फ्लोर प्लान 3D में भी साथ में तैयार है। अब जो फाइनल पार्ट रह जाता है, हम इसके अंदर जो है फर्नीचर इंपोर्ट करेंगे कंप्लीट। तो आज इस तरह हम जो है 3D फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं और इसको बाद में रेंडर भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर चाहे तो फर्नीचर ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। अब मैं आपको एक बार फर्नीचर एक दो ऐड करके दिखा सकता हूँ, बाकी आप उसी तरह से सभी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बेडरूम में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी बेड सिंपली आप जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले इस रूम के अंदर मैं बेड ऐड कर देता हूँ एक, ठीक है गाइस। यहाँ से कॉपी करेंगे इसी बेड की और एक बेड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखिए गाइस इस प्रकार बेड यहाँ पे ऐड हो गए हैं तीनों। तो ये रिवर्स है तो इसको हम घुमा देते हैं इस तरह से। इसी तरह बाकी के सभी फर्नीचर्स आप ऐड कर सकेंगे। लिविंग रूम से हम लिविंग रूम के फर्नीचर जो है यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लिविंग रूम में जैसे टीवी सेट है वो हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पे तीन बड़े बड़े सोफे यूज़ करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है। तो स्टोव यहाँ पे है तो इसको भी लगा देते हैं। इस तरह आप किचन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, इसको रखते हैं इस तरह से। दोनों तरफ कैबिनेट लगा देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे किचन कंप्लीट है। यहाँ पे हम चाहें तो एक डीप फ्रिज लगा सकते हैं बड़ा, या सिंक का भी आप यूज़ कर सकते हैं बड़े सिंक का। यहाँ पे एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ इन सिंक्स को यहाँ से, और यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं बड़े वाले को कंप्लीट। ये देखिए अब ठीक है, ये देखिए गाइस ये हमारा किचन कंप्लीट है। सो गाइज ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया और आप देख सकते हैं इस तरह से हम 3D फ्लोर प्लान जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले फाइनल में जाके आपको फाइनल चीज़ बता देता हूँ कि हम इसको रेंडर कर देंगे, और यहाँ पे हम लॉक बेस प्लान कर दें ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। और फाइनली गाइज हम इसका एक फ़ोटो रेंडर करके देख लेते हैं जाने से पहले। तो गाइज इस तरह से हम 3D फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं, इसको मैं एक्सपोर्ट करके भी दिखाऊँगा। ये देखिए गाइज इस तरह से यहां से हम क्रिएट फोटो फ्रॉम 3D व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे एक बार के लिए सनलाइट को हम नहीं यूज करेंगे। चलिए एक बार ऐसे यूज़ करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट करेंगे फ़ोटो। तो ये देखिए गाइस इस प्रकार आप जो है 3D फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं।
और हम यहाँ पे ऐड सीलिंग को हटा देते हैं और यहाँ पे साइज़ बढ़ा देते हैं 720, 6.9 का रेशो। ओके सो गाइस, इस तरह से हम 3D फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं स्वीट होम 3D के अंदर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे PDF फाइल के अंदर, और इसका जो है फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन बनाएंगे स्केचअप के अंदर। ओके गाइस, इस तरह से हम जो है फाइनल इमेज यहाँ पे रेंडर कर लेंगे, और मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल इमेज। तो ये देखिए गाइज, इस तरह से हम 3D फ्लोर प्लान हम क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसको और थोड़ा अच्छा रियलिस्टिक रेंडर करने के लिए उसी प्रकार हमें बहुत सारी सेटिंग्स करनी होगी जैसे हमने पिछली लाइव स्ट्रीम में की थी। तो ये एक सिर्फ एक ट्यूटोरियल था सिखाने के लिए, सीखने के लिए कि किस तरह से हम 3D फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी रेंडरिंग पे डिटेलिंग में कभी फिर वीडियो बनाऊंगा मैं। आज के लिए इतने दोस्तों, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में या फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।